व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाईचारा ऑन टॉप, यानी कि हर्ष बेनीवाल ने कुछ नया कांड करा है। एंड कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोस देखे बिना अपना दिन नहीं निकलता। कैरी मिनाती, हर्ष बेनीवाल, एलविश यादव, फुकरा इंसान। एंड लेट्स वॉच दिस। अब ये क्या नया लेकर आया, एलविश वर्सेस मैक्सटन। सब्सक्राइब कर लेना हर्ष के चैनल को। हाँ और भाई क्या हाल है? हाथ ना मिलाऊं, मैं तो मारने आया आओ हूं। बैठो बैठो। अबे सेम लोकेशन, अरे सेम लोकेशन। साढ़े वही जान तो मार दे भाई, जान तो मार दो तेरे को भाई, जान से मारो। सॉरी कौन साढ़े तेरे दिख गया, गवार है तू, दिख गया गवार है, दिख गया मुझे गवार है, तेरा बाप गवार है। ओए वॉइस टेक्सचर भी ऑलमोस्ट सेम पकड़ा है भाई ने। इधर आ तुम साढ़े अरे यार ब्रेव यार, मैं ऑनेस्टली बोलूं हर्ष खुद मैक्सन माना है। ये पेन ड्राइव वाला सही था यार। चल भाई यार, चल यार। हेलो साले, तुझे तो कोर्ट में देखूंगा। उसने मूवी वैसे ही बना रखा है। मैं एक्शन 3 दिन बाद कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट। मैं देखना चाहता हूँ जज कौन बन गया। समोसे पैटियां कैसे ना लूं मैं तो चाटा मारा, इतनी जोर से चाटा मारा मेरे को एल्विस भाई ने। अरे मजे वजे छोड़, मैटर हो गया, अपना वकील ना आ पाओगा अब। क्यों साढ़े? अरे यार एक तो उसकी बीवी है ब्रैंडम सेना की, वो निकली फॉलोवर, और जैसे ही पता लगा कि वकील अपना केस लड़ने आ रहा तो अभी तक आग लगाने की धमकी दे रही। साढ़े खतरनाक यार, खतरनाक भाई साहब। सुन ना यार, तेरे में आग लगाने की कह रही तो वकील और उसके परिवार वाले बांध के बैठे हैं उसे कि भाग ना जाए वो। साढ़े काम कर, उसके घर पे ना दो चार बालक भेज दे, उसको ना पकड़ के रखेंगे। एक तो साढ़ा किस्मत गधे के लड़ते लिखवा के आया हूँ मैं। सारा सिस्टम हैंग होगा यार, अब कहाँ से लाएंगे लॉयर? सर जी हो गए यार। अरे यार अब तक अगर ये रियल कोर्ट में होता ना, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अगर प्रूफ चाहिए कि मैं इसके ऊपर कैसे टिप्पणी कर रहा हूँ तो तुम मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लेना। लेकिन अगर ये रियल कोर्ट में होता ना, अब तक ये बर्बाद हो चुका होता 30 सेकंड के अंदर अंदर। इतनी भीड़ क्यों है? कौन सा केस है? मर्डर? नहीं जी। अच्छा तो कोई बिजनेसमैन फ्रॉड करके भाग गया? नहीं ना। तो है क्या? एलविश यादव वर्सेस मैक्स, थप्पड़ मार दी। मतलब 5 साल की डिग्री, 8 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, और हायर जुडिशियल एग्जाम में अच्छे नंबर लेके तो यहाँ कुर्सी हासिल की थी है? और सोचा था थप्पड़ों के केस सॉल्व करेंगे मैं इनकी। किस कलम से संगीन मुद्दों पे न्याय की साई भराऊंगा? पर हो क्या रहा ये है? मोहल्ले की लड़ाइयां छुड़ जाता फिरूं मैं? ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अरे जनाब सामने मीडिया देखो कितनी आई हुई है इस केस के लिए। अरे स्टार बन जाओगे स्टार, समझो सोशल मीडिया का जमाना है जनाब, सब उसूल उसूल छोड़ के टीआरपी के पीछे भागते हैं, आप क्यों पीछे रहोगे? केस नंबर 52, एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन शुरू हो। हाँ जी, आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जनाब मैं कर रहा हूँ। ये कौन है? और आपको? साढ़े आ रहा।
जी मत आ रहा, वो थोड़ा लेट होगा। लेट नहीं हुआ है एल्विश भाई, आई एम हियर फॉर यू। कौन आया? सारी उम्र मैं तेरे अबे यार हेमिलोज जी मैं झुककर जबड़े और ये साला कुत्ते का बीज किसने बोला इधर बताना। एक तो हर मैटर में कूद जाओ यार ये। अरे एल्विश भाई अगर आपका कोई सिस्टम हैंग करेगा तो ब्रोसेना के बाबू भैया तो आएंगे ही ना आपको बचाने, सिस्टम पार देंगे एल्विश भाई। अरे वो साढ़े राइडर, तू ना जाके बॉक्सिंग मैच के चैलेंज ले ठीक है, तेरे को पता कितना सीरियस मैटर हो रखा है इधर। एल्विश भाई मैंने अपने आधार कार्ड। अरे भाई ले यहाँ पे भाई, मैं हर्ष का फैन हो गया हूँ एंड आई ओपनली एडमिट दिस बेस्ट। ये चमन चूते के सीरियसली बनता है भाई। आपका नाम लिखवा रखा है, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए एल्विश भाई। कर लेगा एल्विश भाई, मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रखा है, बस मुझे एक बार आपका भोसड़ा भी चाहिए। क्या कह रहा? मेरा मतलब भरोसा चाहिए, भरोसा। जनाब शुरू कीजिए। ठीक है जनाब, तो मैं कटघरे में एल्विश को बुलाना चाहूंगा। एल्विश यादव हाजिर हो। जस्ट इमेजिन उधर से जज बोले, अब एल्विश का वकील कुछ बोले, हेमिलो जी क्या ये? अरे एल्विश भाई इस गाने के बगैर एंट्री नहीं लेते, रील वील नहीं देखते क्या आप? अरे इनको किसने जज बनाया, इनको नॉलेज ही नहीं है यार। ऑर्डर ऑर्डर, एक दाल मखनी दो लच्छा पराठा। इतने बेवकूफी वाले काम ही कर सकता है वैसे यूके 07 राइडर, सॉरी यूके राइडर जो भी है। क्या सिरके वाले प्याज के साथ मक्खन मार के बंद करवा इसको, मैं इसमें अंदर करवा दूंगा। ऐसा है, दिस इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। कटारिया फोन है छड़े और साला फोन दे फोन दे फोन दे या साला। अरे क्या हुआ एल्विश भाई, क्या हुआ? ये साला फांसी करवाओगा यार। यस मैं लगवाऊंगा। यस एल्विश भाई। नाइस। सॉरी सर जी, ये जो साला पागल है थोड़ा, पहली बार आना कोर्ट, इसको पता ना है क्या करना होता है। एल्विश भाई तो आते रहते हैं। तभी कोई एक्शन नहीं लिया। सॉरी, वरना किसी केस में फंसवा कर थर्ड डिग्री दिलवा रहा होता। आज वो नहीं है यो। शुरू हो जाओ। तो ठीक है जनाब, ये है एल्विश यादव। ये खुद को इतना बड़ा मान चुका है कि अब इसको सब बहुत छोटे नजर आते हैं। गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुका है ये आदमी। जब चाहे किसी को भी कूट देना, जान से मार देने की धमकी देना, इसके लिए बहुत आम बात हो गई है। तो मेरे मुवक्किल मैकबुक, अरे मैकडोनल्ड, अरे भेड़चोद क्या नाम है तेरा? ये मेरे को अब किसी की याद दिलाने लगा, मैक्सटन का वकील। मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ रजत भाई। भैया मैक्सटन। हाँ शीघ्र पतन। तो मेरे मुवक्किल शीघ्र पतन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है जज साहब, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अरे ओ साड़े ओ, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या? थोड़ा बहुत दोस्ती यारी में छुआ था बस, मैंने मारा थोड़ी है। एग्जैक्टली जनाब। जनाब बहुत मारा जनाब, और इसने मेरे को ऐसे मारा जैसे मैं इसकी हाउस वाइफ हूँ, और इसकी दाल में नमक कम डाल दिया, और मेरे को बहुत मारा, मेरी 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 स्पाइन में भी मारा, मैं लवारिस हो गया। ओह साढ़े वो सुन, लवारिस नहीं अपाई जो है करे, और बनाने को ना बना भी देता तेरा मैं, ठीक है? बेटा बर्बन शांत हो जा। अरे मैक्सटन भैया मैक्सटन। हाँ हाँ बेटा बर्तन, बेटा बर्तन। और होना भी चाहिए जज साहब, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर हम बाहर सुलटा लेंगे। और तू कोई भी हो कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे कितना ही बैकअप हो, पैसा हो, फॉलोअर हो, एक ही धड़कन बंद होते ही सब खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्शन जनाब। यस। वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा क्या? वो मेरे को अपनी ब्रोसेना के लिए व्लॉग अपलोड करना है, अभी मैंने नहीं सुपरा लिए ना, एपिक। चौधरी साहब जरा बालक को वाईफाई का पासवर्ड दे दो। ले लो बेटा। ले भाई वाईफाई ले तो। ले वाईफाई। वंदे मातरम। साइमन गो बैक। हे साइमन तेरी मां। भाग 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 भाग। हे मान के भाग। साइमन। अरे उठ तेरी मां।
चौधरी साहब एक चादर में कौन से इग्नो पहुंचा दिया बालक को, पानी मार साले बेटा मिल गया पासवर्ड? जी जनाब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था। अब केस से रिलेटेड मैटर पे ये ऑब्जेक्शन उठाओगे? ओ भाई चलो आगे बढ़ो। जनाब हाफ मर्डर तहकीकात इसके खिलाफ। ऑब्जेक्शन जनाब। यो ना मानता चौधरी साहब, अब की बार इसने दो पर भेजो। केस से रिलेटेड है जनाब, केस से रिलेटेड है। बोल जनाब। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज पूरी दुनिया हमारे एल्विश भाई को गुंडा, मवाली, सपेरा, गमला चोर, मादर, चलो वो तो मैं हूं, सब मेरे भाई को बोल रहे हैं। भाई यूके की गांड मार दी भाई। जनाब आपको आइडिया भी है इस गुंडे मवाली की वजह से कितने लोगों के घरों में रोटी आ रही है जनाब, कितने लोगों के घर में रोटी आ रही है जनाब। यो यो कर सिस्टम, अब ना बोलेगा कोई साड़ा है सिस्टम। बोल साड़े तेरे मुंह पे बेल्ट मारूं, किनके घर तेरी वजह से रोटी आ गई? लक्ष्य, रचित, कटारिया और यो साड़ा। बात सही है, एल्विश भाई बोले, एल्विश भाई बोले। अरे एल्विश भाई, मैं तो उन गरीबों की बात कर रहा था जो आपके भंडारे में खाना खाने आते हैं। मेरा घर ठीक ठाक चल रहा है व्लॉग से, और एक्स्ट्रा वो टैक्स बचाने के लिए खोला हुआ ना भंडारा, इनकम के लिए बिनोमो भी यूज कर लेता हूँ। क्या नहीं एक्स्ट्रा मनी, क्या कौन सा इलीगल धंधा करता है तू? अरे जनाब कोई इलीगल धंधा नहीं है, बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। है तुम्हें कमाओ एक्स्ट्रा इनकम, हमने नाती हो ट्रेडिंग व्रेडिंग। अरे जनाब आप खेल सकते हो। अच्छा जी जी जनाब, मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ। बिनोमो की ऐड कर दी, ऊपर जाएगा ये देखो जनाब, मैं जीत भी गया पैसे। चल भाई हम भी करते हैं। साले चूतिए, हैं क्या बोला? ऐसे आपके दोस्त आपको बोलेंगे अगर आपने उनको बिनोमो के बारे में नहीं बताया तो, पर अगर आप उनको बिनोमो के बारे में बताते हो तो आपके रेफरल से आप दोनों को मिलेगा बोनस। और अगर आप मेरा कूप एक आध रैपट और मारो भाई, नकली वाले के ही मारो भाई इनकी आंख, मैं तो असली मिले उसके भी मारो भाई। कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और बोनस मिलेगा जनाब, बोनस ही बोनस होगा, फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा, और कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा। बढ़िया मैं भी डालता हूँ। रियल रेट भी रखा दिया, ये प्रमोशन। चलो अरे यार क्या चल रहा है भाई। जनाब केस पर वापस आते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि एल्विश भाई ने मारा, वो भी एक इंसान है, उनको भी गुस्सा आ सकता है, और उसी गुस्से में वो अपना आपा खो बैठे और मार दिया उनको। क्या बोले जा रहा साढ़े हुए, और अगर थोड़ा और गुस्सा आता तो इसको जान से भी मार सकते थे, और फिर आज अपने मर्डर का केस भी लड़ रहे होते। मैं साढ़े जानते मार दूंगा इसको। पर भाई ने बेटिंग ऐप से बहुत पैसा कमाया है, आपको चार बार खरीद लेते और बरी हो जाते। अरे यू मैंने बिकाऊ बोल रहा है, आपको चार बार खरीद लेते, ऐसी बेवकूफिया यूके 07 राइडर कर सकता है? मतलब पॉइंट तो सही पकड़ा है। गांड फाड़ दूं जनाब। पर भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, भाई को अपनी गलती का एहसास था, और इसको फोन करके घर बुलाया ताकि इसे माफी मांग सके। पीछे वाला बिल्कुल कटारिया की एक्टिंग कर रहा है, कंफर्म सिस्टम है। आप खुद ही बताइए जनाब, जिस आदमी के अंदर अहंकार होगा क्या वो किसी से माफी मांगेगा? हमारे एल्विश भाई को पछतावा था अपनी गलती का, तभी उन्होंने नवरतन को कॉल करके घर बुलाया ताकि बातचीत पर मसला सॉल्व हो जाए। नवरतन क्यों एल्विश भाई? ओ घर का शॉट दिखा रहे। एल्विश आर्मी सिस्टम, ये साड़ा मैक्सटन जैसी घर के अंदर घुसे ना दोबारा, ये सही था ये। एल्विश आर्मी सिस्टम, ये साड़ा मैक्सटन जैसी घर के अंदर घुसे ना, साड़े का मत्था फोड़ दो पहले, ठीक है? उसके बाद इसकी आईआईटी वाली पढ़ाई पर मुद्दो, ठीक है? और साड़े को ना तब तक मारो जब तक वो खुद एल्विश आर्मी में इनरोल ना कर ले। एल्विश एली यार, अरे कैसे बेचैन हो रहा कटारिया, फोन ना उठा रहा यार यो मैक्सटन, और ऊपर साड़े ने वीडियो और वायरल कर दी लड़ाई की तेरी।
अरे यो के बता रहा है यार, हमने तो यहाँ पे फील्डिंग बिठा रखी है उसकी और उसने हमारे सिस्टम हैंग कर दिया। शिट यार। एलविश भाई। हाँ सर जी, यो सही कह रहा, एकदम यही बात थी। इमेजिन कर कान में आके बोलता एलविश भाई। इतनी तो ना लगी। ये देखो, अब नजर आया, इसका इंसाफ होना चाहिए। अबे यार, रजत दलाल पागल हो गया यार। अरे वो मारता ये नहीं है तो तभी पता लगता ना, जब ये एलविश भाई के घर पे जाता। लेकिन वो एलविश भाई के घर पे नहीं गया, उसका काम हो गया था। उसने करी वीडियो वायरल और उछाला हमारे एलविश भाई का नाम और खेला सिंपथी कार्ड। सिंपथी कार्ड जनाब, वो वुमेन हुए बिना सिंपथी कार्ड कैसे खेल सकता है? ऐसा वुमेन मुझको बहुत बुरा लगा जनाब, बहुत बुरा। मेरी ब्रो से ना बहुत ऑफेंड हुई है इस बात से। तो ये वीडियो एलविश पे कम, ये चूतिए मेरा मतलब यूके 07 राइटर पे ज्यादा है। तू क्या बेवकूफ का बच्चा है क्या? ऑब्जेक्शन जनाब, ये छोटा सा बालक 5 फुट का भी नहीं है ये बैंड का। अगर इसके सर पे आंट धर दिए ना तो अभी जमीन में धर जाएगा। जो करेगा प्लानिंग प्लॉटिंग। क्यों भाई, कोई प्लान था तेरा इन सब के पीछे? हे भगवान, यहाँ से बढ़िया एंगल लग रहा है, आज तो वायरल हो जाएंगे भाई हम। भाई मुझे तेरा प्लान बिल्कुल सही नहीं लग रहा यार। पता चले अगला बंदा नो बात ओनली घुसालात माइंडसेट के साथ आ रहा हो। नाई के फट्टे जैसी बॉडी है तेरी, टूट जाएगी अगर उसने आते ही चाटू बरसाने चालू कर दिया यार। तो क्या हो गया भाई, हम चाटू की बरसात में फेम की धूप फेंक लेंगे। अबे कैसी बातें करता है तू, सोशल मीडिया ने तेरा दिमाग खाली कर दिया है और बैंक बैलेंस भर दिया है और अभी और भरने का मन है। तू ना वहां जाके चुपचाप बैठ जा। मर बहन का टाइम आ गया मेरा। अबे बोल, कोई प्लान था तेरा? नहीं जनाब, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने तो सोचा था कि एलविश भाई आएंगे और आराम से बातचीत होगी। मैंने तो सोफ़ा भी लगा रखा था एलविश भाई के बैठने के लिए और लाइटें भी थोड़ी डिम कर दी थी कि एलविश भाई की आंखों को ना चुभे। गुलाब की पत्तियां भी बिखार दी थी कि एलविश भाई को स्मेल ना आए, दुकान से फ्रेश फ्रेश फील हो। और ख़ुद भी मैं इतना लगा के बैठा था कि एलविश भाई आएंगे फिर उनका घूंघट उठाऊंगा। तो साढ़े एक बात बता, तू डिबेट करने आया था या सुहागरात मनाने आया था मेरी गैल? इरादे क्या तेरे? इरादे तुमने दिखाने ही कहाँ दिए एलविश भाई। सर जी, ये साड़े का सिस्टम करप तोरा, ये साड़ा वही बालक है जो बुड्ढा हो गया ना, जो मर्दों की गांड पे चूटी काट के भाग्या करे, ये वही बढ़ेगा ये। हाँ तो इसमें गलत क्या है, वो तो जनाब भी भागते हैं। जनाब तेरी माँ की चूटी काट के भागेंगे अभी हा? अच्छे लगोगे कब्र से लाश निकाल के चूटी काटते हुए हैं? अरे चुप हो जा, चुप कर जा। क्या दिन है ये, कैसे कैसे लोग हैं यार। ऐसा है एलविश जी, इसने चाहे प्लान किया हो या ना किया हो, पर हार ठाना किसी भी सूरत में गलत है। इसलिए इस अदालत का मानना है कि एलविश को उसके किए। ऑब्जेक्शन जनाब। ना बोल ले, तू बोल ले पहले, बोल बोल दे कुछ बढ़िया, बोलते कुछ बढ़िया, बोलते फटाफट, बचा ले मेरे को। आपकी बीवी धंधे वाली है और मैं उसका प्राइम कस्टमर हूँ। सही कह रहा बहन के लंड क्या। आपकी बेटी गजेड़न है और मैं उसका ड्रग डीलर हूँ। चुप हो जा, आराम जाते वरना मैं भूल जाऊंगा मैं कोर्ट में हूँ। और आपकी माँ तो क्या चीज है जनाब। चुप हो जा जनाब, साइलेंट। आपके घर वालों का मैंने थोड़ा सा नाम उछाला तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भूल के मुझ पे वार करने लगे। तो यहाँ हमारे एलविश भाई कैसे गलत हैं? इस कर्टेन ने भी तो हमारे एलविश भाई के घर वालों पे बोला था, उसके माँ बाप पर गया था। हम ये कैसे भूल सकते हैं? ये ब्रो सेना कैसे भूल सकती है? सही कह रहा राइडर, सही कह रहा है। इधरा इधरा साढ़े, तू बहुत खास है। कटारिया गांड मरा, तू मेरा खास है। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ जी बेटा सैटन, आप इससे बोलना चाहोगे? हम इसके अगेंस्ट बहस नहीं करेंगे,
एक झूठ के खिलाफ लड़के हम अपनी बेस्ट। मेरे को ना इसकी लाइव याद आ रही रजत की, सुलह कराने के लिए मिला, मिलते हुए कहता हाँ तू इधर आजा, क्या नाम कहते रहा, क्या क्या नाम कहते, नाम कहते रहा भाई, वो लेजेंडरी था वो। नहीं करवा सकते जनाब, सरासर बनावटी बात है। हाँ साले बाबू भैया झूठे, पर तू सच्चा, ये कैसे हो सकता है बोल। ही बताता हूँ सारे तुझे, देख अब लाइव आ गया हूँ मैं, सुन बे राइडर पाइडर बेबी भैया, मेरे से ऊंची आवाज में ना बात मत कर लियो, नहीं भेड़ चो तेरे घर पे, तेरे सोफे पे तेरी गांड फाड़ूंगा, समझा, मुझे और इन्फ्लुएंसर जैसा मत समझ लियो। जो फोन पे क्या कर रहा है? अरे जनाब वो इंस्टाग्राम से लाइव गया है, वो धमकियां वगैरह ऐसे ही देते हैं, स्टाइल है इनका ये। बाकी जैसे करना हो वैसे बता दियो, देख लेंगे ठीक है, सारे जाट भाई हैं अपने, समझा, बस तू लोकेशन भेज दियो, पहुंच जाएंगे भाई साहब। कितने बदमाश लाना चाहे ना ले आइयो, तू देख लेंगे उनको भी। और ये जात वाला मैटर नहीं है, सारे अपने भाई हैं, मुझे बस इस चूतिए से दिक्कत है, ठीक है, चलो भाई। सही है, सॉरी भैया। अब चलो चलो आगे बढ़ो, सिर्फ केस से रिलेटेड बात करो, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ थे कि इसने एल्विस यादव के माँ बाप को गाली दी, इसीलिए एल्विस ने इसने। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये एक साजिश है मुझे दबाने की। अच्छा साढ़े तू बूब्स है क्या जो तेरे को दबाता फिरूं मैं? ची ची ची, ये है एल्विश, इसकी बातों से ही पता लगता है कि औरतों की कितनी रेस्पेक्ट करता होगा, और जो आदमी औरतों की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो किसी और की क्या ही करेगा। अच्छा साढ़े हम रिस्पेक्ट ना करते हैं, ये तो तू गलत सिस्टम बिठा रहा, हम क्या मिसोजिनिस्ट है? ओए राइडर इनको बता मैंने वुमेंस डे पे क्या किया। हाँ एल्विश भाई कोठे पे गए और उन्होंने 18,000 साढ़े हुए सॉरी एल्विश भाई औरतों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एम्पावर करते हैं। वुमेंस डे पर उन्होंने अपनी एनजीओ के अंदर गांव की माताओं और बहनों को गेस्ट ऑफ गिफ्ट किया ताकि वो अपने घर के मर्दों के लिए रोटी बना सके। एल्विश आर्मी ऑन द टॉप ब्रो, सेना ऑन द टॉप यार। नहीं नहीं जनाब मेरे तक तो ठीक था, पर इन्होंने तो आयरनी की भी मार दी। वाह, अरे ये चल क्या रहा है मेरी कोर्ट में? बस चुप, सब चुप। अब अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो दो, वरना मैं फैसला सुना रहा हूं। तो ऐसा है फिर सुना ही दो फैसला, क्योंकि वैसे भी हमारे ही हक में होने वाला ही है, 36 की 36 बिरादरी हमारे साथ में है। अरे होगा तुम्हारे पास 36 बिरादरी का सपोर्ट, लेकिन हमारे एलजी भाई को 37वीं बिरादरी सपोर्ट कर रही है। ये 37वीं बिरादरी कौन है? और कौन होगा, हमारे अंजिलियंस। अरे सर ये चमन चूतियों का सपोर्ट ना चाहिए। सुनो सर मेरी ना गलती है, आप ऐसा करो मेरे को उम्र कैद दे दो, आप मेरे को बंद रखो यहीं, मैं ना जा रहा बाहर ना। एल्विश को जो आई चोट, एल्विश को जो आई चोट। अरे चुप कर जाओ साला बेवकूफ का बच्चा। सर ऐसा करो आपने मेरे को फांसी, मेरे को मार दो, मैं यहीं मैं खुद को मार लूंगा। मेरे भाई नहीं एल्विश, मैं मार लूंगा साड़े। ऑर्डर ऑर्डर, क्या तमाशा लगा रखा है? आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए। वी एंजिलियंस विल नॉट गो विदाउट एल्विश। अरे यार चौधरी करिए कुछ। अरे वो देखो कोर्ट के बाहर किसी रिंग लाइट लगाई है रील बनाने के लिए, चलो भागो भागो। ऐसा है मेरी बात सुनो, ये कोर्ट हमने गली मोहल्ले की लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं खोल रखी, पुलिस के पास जाते तो मामला वहीं सॉल्व हो जाता, या हमारा टाइम खराब नहीं होता और मेरा भी। पुलिस, ये पुलिस के कान ना सिर्फ दिखाने के लिए हैं, असल में सब बहरे हो चुके हैं ये। मेरा लड़का गया था FIR करवाने, इन्होंने करी नहीं। अबे चौधरी रिपोर्ट क्यों लिखी बालक की? अब जनाब आपको मैं कुछ कहूंगा तो आप कहोगे मैं कहानी सुना रहा हूँ। हाँ तो नानी है मेरी, जो मैं सोचूंगा तू मैंने कहानी सुना रहा है, साफ साफ बोल। हाँ जनाब आया तो था ये हमारी चौकी में रिपोर्ट लिखाने के लिए, हमें लगा गंजेड़ी है, नशे का ओवरडोज करके हमसे बकचोदी फार्म भरने आया है, तो जनाब हमने चाटे वाटे भर गए भेज दिए इसको वहां से। फिर चौधरी बात तो तेरी ठीक है, ही लुक्स काइंड ऑफ गंजेड़ी, पुलिस की गलती ना है इसमें,
भैया सही बोल रहे साहब, लगता तो तू गजेड़ी है, थोड़ा पर्सनैलिटी सुधार ले तू ना, तगड़ा होने पर ध्यान दे बेटा यू टर्न। अरे मैक्स्टर, मैक्स्टर, मैक्स्टर! कोई ताला थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई नाम की माँ बहने कर रहा है, कौन है बैचो यूटन कौन? अरे यूटन नाम किसका होता है? मैं तो नहीं यूटन, तुम यूटन है? मैं नहीं हूँ यूटन, कौन है यूटन? भाई हम क्यों बोलेंगे तेरे यूटन जब तेरा नाम है लैंटन? अबे यार बहन छोद, छोटी छोटी बात पे तो ये लुगाई बन जाते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अरे मुद्दे का तो फ्लैट खड़ा कर लिया तुम लोगों ने, पर ये ना सोची कि मुद्दे की नींव किसने डाली। हाँ, ये मनावर को उल्टा सीधा करना था, बाद में उसी को जाके गले लगा रहा था, मैंने हल्के से ट्रोल किया, मेरे को चाटा मारने आ गया। अच्छा तो मुद्दा मनोमन शुरू किया था, तो भाई बुलाओ मनावर को। हाँ हाँ जनाब, बुलाओ बुलाओ। आज भैंचो, मतलब अब उसका भी कोई पैरोडी आ रही है क्या? छो ही जाए, वैसे बड़ी ऑनलाइन बीफ करता है ना, आज उसको दिखाता हूँ कि उसका असली डैडी कौन है। अच्छा साढ़े, तू बॉक्सिंग करेगा है? जितना तेरा वेट है ना उससे ज्यादा कि वो बिरयानी खा के पाप देता होगा। ये तो फिर से उसकी साइड ले रहा है, दो गला एल्विस। अरे वो साढ़े तेरी ना एक और वीडियो वायरल हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ तेरी। नीचे उतर, नीचे उतर, कोर्ट है, पार्लियामेंट ही है। अरे कौन है मुनव्वर, मुनव्वर को बुलाओ। कितना कोर्ट है, पार्लियामेंट नहीं है। नंबर हाजिर हो। वो जनाब मुनव्वर तो नहीं है इधर। मुनव्वर नहीं है तो कहाँ है वो? अबे क्या कर रहे हो यार, अबे क्या कर रहे हो यार, हुक्का पीने पर कौन जेल में डालता है? अरे भैंड चोद, किसी तीसरे बंदे के चक्कर में लड़ रहे हो तुम यार। वही तो, कोई नहीं मैं केस क्लोज करता हूँ। हाँ भाई तुम खेल लो केस, केस हम मसला सुलटा लेंगे, ठीक है? राम राम भाई, आ जाओ भाई दोनों, चलो भाई बाहर आ जा। अरे ऑर्डर ऑर्डर, आ जा तू भी आ जा चल। अरे मैं जज हूँ, मेरी कोर्ट में हो गया रहा है ये। ओ उसे फिर फोन काट लिया जनाब, ये जजमेंट भी लाइव जाके देते हैं। अरे तेरी अबे रुक जा एक मिनट, कॉम्प्रो हो रहा है। जज मैं बता रहा हूँ ये अच्छा नहीं होगा, जज हूँ मैं, जज। अबे होगा तो कोई सा भी, जिस मर्जी मंत्री से जान पहचान निकाल लियो, अभी और भी लफड़े पेंडिंग है मेरे, समझा? अबे यार एक तो ये थगेश को भी पेलना है। लो भाई हो गई लास्ट शुरू, चलो। हाँ भाई तो हमें 36 बिरादरी वाले हमेशा से साथ थे हैं और रहेंगे, ठीक है? तो बात ऐसी है। कैसी है बात फिर? देखो भाई हम दोनों भाई के बीच थोड़ा हो गया था मिसकम्युनिकेशन, बट देखो एक ही घर के बर्तन है तो बजेंगे ही, पर अब सब सही है, अब तेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं एल्विस भाई, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एल्विस भाई के साथ, और एल्विस भाई को मैंने थोड़ा सा ट्रोल कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब हम दोनों वापस फ्रेंड्स हैं, भाई चारों तो टॉप। हाँ भाई, अबे भाई को थैंक यू तो बोल दे यार। और रजत भाई को भी थैंक यू, रजत भाई ने सब कुछ सॉल्व करा दिया हमारा। चलो भाई सिस्टम है। ओए ओए स्टोरी में टैग करना मत भूलिए मुझे। हाँ एल्विस भाई कर दूंगा। चलो भाई रजत भैया। अरे भेड़ छोद यार एल्विश, इसको किसी गाने में ले लियो अपने। अच्छा साढ़े, वैसे एक कैरेक्टर है पर उसने ना चाटा मारना है मेरे को, तो तू तो नहीं कर पाएगा। अरे एल्विश भाई कर लूँगा अब मैं, पक्का कर लूँगा। अरे साढ़े पर तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, गाना आया था ना उसमें लिया था इसको। मैक्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट मार दी। चलो गाने की सूट पे चलते हैं एल्विश भाई, आ जाओ। वो भी सही सिस्टम है यार, भाई चार अंदर टॉप है। चलो भाई चलो, आ जा साढ़े। ओए जी पापा। ओ साढ़े पापा किसे कह रहा तू? तो पता नहीं मेरे पापा, मेरे पापा है, 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 मेरे पापा है। कोई खड़ा नहीं होगा मेरे को। अरे हाजिर हो जाओ। ओए ओए भाई ओए। अरे आ जाओ यार भाई साहब। अरे आ जाओ भाई। Hey guys, thank you so much for watching our video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके नहीं जाना कि आपको फेवरेट
पार्ट, फेवरेट करेक्टर, फेवरेट क्या सबसे अच्छा लगा वो प्लीज कमेंट करके बताओ और दोस्तों शेयर करो। एंड गाइज सिर्फ नहीं यार, मेरे को तो हर्ष ही अच्छा लगा, मैं सही बताऊँ, ओवरऑल अच्छा करा इसने, मजा आया मेरे को देख के वीडियो। एंड मौज मस्ती में वीडियो बनाएंगे, सारे लोग अपने भाई हैं, किसी को कोई हेट नहीं है, किसी को आप सबको प्यार है, आप भी किसी को कुछ मजाक मत उड़ाना किसी का भी, ठीक है, सारे अपना भाई हम तो उड़ाएंगे चार ऑन टॉप, ठीक है गाइस। एंड गाइस मेक श्योर आप बिनोमो को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके डाउनलोड करो। नहीं करूंगा, हमें दिए पैसे, मेक श्योर आप मेरा कूपन कोड भी यूज करो बेनीवाल। एंड गाइस ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ मुझे फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट डाल, जाओ जाके इसके 6 से 7 कर दो मेरे, तुम लोग 1 लाख भी पूरे मत करना इंस्टाग्राम पे, rghair_official नीचे दे रखा लिंक, और क्रिकेट वाली वीडियोस देखने तो क्रिकेट बाय आरजी देखो, डालता रहता हूँ अपनी अगली वीडियो का, तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे लाइक कर लो, और वीडियोस डालता हूँ मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब डालता हूँ मैं। हर्ष को लाइक करना है करो, वो बात की बात है, लेकिन वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, लव भाई, लव यू भी बोल दिया है भाई ने, तो बढ़िया लगा मेरे को, ओवरऑल अच्छा लगा काम, एंड डायरेक्ट करा है इसको आकृति वाजपेयी, नाइस वर्क, राइटिंग हर्ष और शिवम वाजपेयी ने, दोनों ने करी है, मेरे को तो अच्छा लगा यार ओवरऑल। आपको कैसा लगा प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, सारे एक्टर्स ने अच्छा काम करा अपना, इवन वॉइस टेक्सचर्स तक अच्छे पकड़े, बस वो हेमेलो जी का थोड़ा सही हो जाता तो और मज़ा आता, बट ठीक है, हेमेलो जी तो वैसे ही चूतिया लगता है, उसकी ओरिजिनल भी उठा के डाल देते तो भी उतने बकैती लगती उसकी। चलो छोड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बड़ा मज़ा आया, आपको कैसी लगी वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जय हिंद।